मौका दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, आज विपक्ष के सदस्य श्री गौरव गोगाई जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर सदन में उपस्थित हुए थे, इस पर मैं मेरे विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह, इसलिए इसी अनुच्छेद 75 को प्रतिबंधित करने के लिए लोकसभा के नियमों के नियम 198(1) से 198(5) तक मंत्रिपरिषद में अविश्वास का प्रस्ताव रखने की प्रक्रिया नियत की गई है। माननीय अध्यक्ष जी, जब से आजाद हुए तब से 27 अविश्वास प्रस्ताव और 11 विश्वास प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत हुए हैं। कई बार सरकारों का बहुमत जाने की स्थिति में सदन के विपक्ष के सदस्य अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हैं। कई बार बड़े जन आंदोलन के समय प्रजा की भावना को प्रतिबिंबित करने के लिए अविश्वास के प्रस्ताव लेकर आते हैं। एक अविश्वास का प्रस्ताव ऐसा है जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के प्रति न जनता को अविश्वास है, न सदन को अविश्वास है, और ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जनता में भ्रांति खड़ी करने का उद्देश्य। मैं उनको इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई, अविश्वास प्रस्ताव जब आप लेकर आते हो तो इस पर जो चर्चा होती है वो चर्चा में सरकार के विरोध में कुछ मुद्दे तो रख देते। मैंने पूरे भाषण ध्यान से सुने और पूरे भाषण ध्यान से सुनने के बाद मैं निश्चित रूप से निर्णय पर पहुंचा हूं, ये अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल भ्रांति खड़ा करने के लिए लाया गया है, ये प्रजा की इच्छाओं का प्रतिबिंब नहीं। अल्पमत का तो सवाल ही नहीं है। अल्पमत का सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक जो अविश्वास के प्रस्ताव के विरोध में बोले हैं और जो समर्थन सदन का दिखाई पड़ा है, मतदान होगा तब होगा जो कराएंगे तो, परंतु जो समर्थन दिखाई पड़ा है वो बताता है कि अल्पमत का सवाल नहीं, और जनता में भी विश्वास है। मान्यवर, जनता में विश्वास इसलिए है कि देश के 60 करोड़ गरीबों को उनके जीवन में नई आशा का संचार अगर कोई एक प्रधानमंत्री और एक सरकार ने किया है तो नरेंद्र मोदी सरकार ने। मान्यवर, मैं डिटेल बात बाद में करता हूं। मैं भी देश भर में घूमता हूं, जनता के बीच में जाता हूं, मैंने जनता के साथ कई जगह से संवाद किया है, कहीं पर भी अविश्वास की आछी पतली झलक भी नहीं दिखाई पड़ती। मैं बताता हूं दादा, बंगाल का भी बताता हूं। मान्यवर, ये सरकार, मैं इस सदन के सामने आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहता हूं और धन्यवाद भी करना चाहता हूं, आजादी के बाद कोई एक सरकार और कोई एक नेता में जनता को सबसे ज्यादा विश्वास है तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार। दो तिहाई बहुमत से दो दो बार एनडीए को चुना गया, पूर्ण बहुमत से दो दो बार भारतीय जनता पार्टी को चुना गया। 30 साल के बाद पहली बार
पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकार देने का काम ये देश की जनता ने लगातार दो बार किया और प्रधानमंत्री माननीय ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो आजादी के बाद देश में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री कोई है तो नरेंद्र मोदी। और ये मैं नहीं कहता, दुनिया भर के कई सर्वेक्षण कहते आजादी के बाद सबसे ज्यादा एक भी छुट्टी लिए बगैर 24 घंटे में से 17 घंटे काम करने वाला कोई प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी। माननीय आजादी के बाद देश के हर राज्य में सबसे ज्यादा किलोमीटर और सबसे ज्यादा दिन प्रवास करने वाला कोई प्रधानमंत्री है तो नरेंद्र मोदी। माननीय कोई सरकारें कई सालों तक चलती है। कांग्रेस पार्टी की सरकार 35 साल तक अक्षुण रूप से चली, कई सालों तक चलते हैं। तब 2-3-4 निर्णय ऐसे होते हैं जिसको युगों तक याद किया जाता है। माननीय नरेंद्र मोदी सरकार 9 साल हुए, 9 साल में 50 से ज्यादा फैसले ऐसे हैं जो युगांतकारी फैसले हैं, जो इतिहास के अंदर स्वर्ण अक्षरों से मंडित। माननीय आज 9 अगस्त का दिन है। 9 अगस्त के दिन महात्मा गांधी ने हमारे आजादी के आंदोलन के एक नए अध्याय की शुरुआत की थी। एक उन्होंने नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्विट इंडिया का नारा दिया था। मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर 2014 से 2023 में लगभग 9.5 साल में एक नए प्रकार का राजनीतिक युग का शुरुआत किया है। माननीय लगभग 30 साल से इस देश की राजनीति भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण के नासूर से ग्रसित रही। सारे के सारे जनादेश कोई भी चुनावी विजय पराजय के आंकड़ों के एनालिसिस करने वाले पंडित सारे जय पराजय को देख ले, मोदी जी के 2014 के विजय के पहले सारे जय पराजय या तो भ्रष्टाचार से प्रभावित थे, भ्रष्टाचार किया इसको हटाने के लिए आए, या तो परिवारवाद से प्रभावित थे, परिवारवाद के पीछे जातिवाद का एक अनोरथ संतान भी होता है, और तुष्टिकरण से प्रभावित जनादेश थे। भारतीय लोकतंत्र को ये 3 नासूरों ने घेर लिया था। नरेंद्र मोदी जी ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण को हटाकर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस को तरजीह दी और आज विकास जनता के फैसलों का निर्णय करता है। मगर फिर भी कहीं कहीं दूर तक भ्रष्टाचार भी बैठा है, बच गया है, परिवारवाद तो दिखा ही पड़ता है और तुष्टिकरण की राजनीति भी चलती है। इसलिए मोदी जी ने आज नारा दिया है, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टिकरण क्विट इंडिया। माननीय अगर भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टिकरण एक क्विट इंडिया अगर कर लेते हैं तो इस देश की राजनीति में मोदी जी ने 2014 से एक नए युग की शुरुआत करी है, विकास के युग की। वो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के कल्पना के भारत की निर्मिति 2047 के बहुत साल पहले कर देगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। माननीय अविश्वास का प्रस्ताव एक संवैधानिक प्रक्रिया है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। विपक्ष का उद्देश्य है कोई भी हो, विपक्ष का अधिकार है, अविश्वास का प्रस्ताव ले आते हैं। और मैं तो कई बार मानता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव से पार्टियों के और गठबंधनों के चरित्र उजागर होते हैं। कई बार अविश्वास प्रस्ताव आए, मैंने जैसे पहले कहा, मैं 3 अविश्वास प्रस्ताव का जिक्र करना जरूर चाहूंगा। 2 अविश्वास प्रस्ताव है यूपीए सरकार के खिलाफ जो हम विपक्ष में थे तब लेकर आए थे, और
एक अविश्वास प्रस्ताव एनडीए सरकार के खिलाफ था जो यूपीए जब विपक्ष में थी तब ले गए। 1993 जुलाई में नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस की सरकार थी उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। अब सरकार बचानी होती है, नरसिम्हा राव जी को बचानी थी। कांग्रेस का मूल सिद्धांत है एन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहना, सत्ता में बने रहने का प्रयास करना। ना इसके लिए सिद्धांत होते हैं, ना नीतियां होती है, ना औचित्य होता है। मान्यवर, नरसिम्हा राव जी की सरकार अविश्वास प्रस्ताव जीत गई और बाद में कई लोगों को जेल की सजा हुई, स्वयं नरसिम्हा राव जी को हुई, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा को घूस देकर अविश्वास प्रस्ताव पर विजय प्राप्त करी। आज कांग्रेस भी ये कांग्रेस भी वहां बैठी है और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी वहां बैठा है। माननीय 2008 में मनमोहन सिंह जी विश्वास प्रस्ताव लेकर आए, विश्वास प्रस्ताव के वक्त भी एक बार यहां पर बरोबर देश में वातावरण हो गया था कि इनके पास बहुमत नहीं है, बहुमत था भी नहीं। और मान्यवर, इस सदन ने उस वक्त सबसे कलंकित घटना देखनी पड़ी, सांसदों को करोड़ों रुपये की घूस लेनी पड़ी और हमारे ऑनेस्ट सांसद वो रुपया लेकर पीठ के सामने आए और कहा कि हमें संरक्षण चाहिए, हमें रुपया ऑफर किया गया और वो सरकार बचा ली। तो एक तो चरित्र है यूपीए का, सरकार के सामने अविश्वास का प्रस्ताव आए या कोई अविश्वास का प्रस्ताव न लाए, इसलिए विश्वास का प्रस्ताव वो स्वयं लाए। इसमें से बचने के लिए सारे सिद्धांत, सारा चरित्र, सारे लोकसभा के नियम कानून, हमारी परंपराएं, इसको त्याग कर एन केन प्रकारेण सत्ता को संभालना और सत्ता पर काबिज रहना। इसके सामने मान्यवर दूसरा एक उदाहरण है, 1999 अटल जी की सरकार थी और अविश्वास प्रस्ताव आया। मान्यवर, ये जो कांग्रेस ने किया वो हम कर सकते थे क्योंकि 93 में नरसिम्हा राव जी ने देश के सार्वजनिक जीवन को एक एग्जाम्पल पूरा कर दिया था कि सरकार ऐसे भी बचाई जा सकती है, करोड़ों रुपया देकर भी बचाई जा सकती है, हम भी कर सकते थे। मगर हमने नहीं किया, मान्यवर, हमने नहीं किया। हमने हमारी बात रखी, देश के प्रधानमंत्री अटल जी ने इसी सीट पर बैठकर अपनी बात रखी संसदों के सामने और जो कहा कि संसद का जो फैसला है मैं सर पर चढ़ाऊंगा, हमें कोई आपत्ति। मान्यवर, सिर्फ एक वोट से सरकार गई, सिर्फ एक वोट से। क्या हम यूपीए और कांग्रेस की तरह बचा नहीं सकते थे? बचा सकते थे, मगर मैंने कहा ना कि कई बार संकट के समय गठबंधनों और पार्टियों का चरित्र उजागर होता है। यूपीए का चरित्र सत्ता बचाने के लिए भ्रष्टाचार करने का चरित्र है और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का चरित्र सिद्धांतों के लिए राजनीति करने का चरित्र है। माननीय, उस वक्त मुझे ठीक याद है, मैं संसद में नहीं था, सदस्य नहीं था, बहुत सारे सीनियर सदस्य होंगे उस वक्त। मान्यवर, एक ही वोट का फर्क था और अंत में गिरधर गोमांग के वोट को हमारे उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री, उस वक्त मुख्यमंत्री से शपथ ले चुके थे और वोट डालने आए थे, वो वोट को वैलिड गिनना या न गिनना। मगर मान्यवर, आप जिस आसन पर बैठे हो इसकी भी गरिमा का एनडीए ने पालन किया था, हमने कोई दबाव नहीं बनाया, एक वोट हमारे विरुद्ध में गया, हमारी सरकार चली गई। मगर आज मैं फिर से कहना चाहता हूं गौरव गोगोई जी को, मगर जनता है जो सब देखती है, जनता है जो सब जानती है। एक वोट से हमारी सरकार गई, एक वोट से हमारी सरकार जरूर गई, परंतु अंत में क्या हुआ, बहुत बड़े बहुमत के साथ अटल जी फिर से देश के प्रधानमंत्री। मान्यवर, हमारे एनडीए का कुंबा मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में हम देश में सिद्धांतों की राजनीति को प्रस्तावित करने के लिए राजनीति में है, एन केन प्रकारेण सत्ता को बचाने के लिए राजनीति के अंदर नहीं है। और ये दो चरित्र आज इस अविश्वास प्रस्ताव पर की चर्चा के माध्यम से मैं 130 करोड़ की जनता को याद कराना चाहता हूं, एक और करोड़ों रुपया खर्च कर
बहुमत खरीदने वाले लोग बैठे हैं और एक बार सिद्धांत के लिए सत्ता छोड़ने वाले लोग बैठे हैं। जनता देश की जनता ने मान्यवर, अरे शुरुआत है, धैर्य रखो, काफी सुनना पड़ेगा। सुरेश जी ये तो ट्रेलर है, अभी ट्रेलर है। मान्यवर अभी बात निकली गरीब कल्याण की, हमारी साथी मंत्री अनुप्रिया जी गरीब कल्याण के सारी बातें बता रही थी। मान्यवर गरीबी हटाओ का नारा दिया, सालों तक गरीबी हटाओ के नारे के आधार पर देश की भोली भाली गरीब जनता का विश्वास प्राप्त किया और वोट लेते रहे, जीतते रहे, गरीबी जस की तस रह गई। नरेंद्र मोदी जी ने कोई बड़े बड़े वादे नहीं किए, परंतु नरेंद्र मोदी जी के जहन में, नरेंद्र मोदी जी के जहन में गरीबी का डंक भी था, दंश भी था, क्योंकि वो स्वयं गरीब के घर से आकर इस सबसे बड़ी पंचायत में आए थे। इन्होंने गरीब कल्याण के लिए मान्यवर इन्होंने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे मान्यवर सुरेश जी इतने सीनियर मेंबर है, उनको अविश्वास प्रस्ताव का कैरेक्टर मालूम नहीं है। आप जब अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते हो तो सरकार के समग्र कामकाज पर क्वेश्चन मार्क करते हो, और क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, इसलिए मुझे सरकार के परफॉर्मेंस की चर्चा करनी पड़ेगी। मान्यवर इस देश के करोड़ों गरीबों के नसीब में जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने धुएं से भरा हुआ घर था। मोदी जी ने 9.6 करोड़ 9 करोड़ 60 लाख गरीब महिलाओं के घर में गैस का सिलेंडर भेजा और उसकी झोपड़ी को धुएं से मुक्त कराने का काम किया। मान्यवर 11 करोड़ परिवार ऐसे थे, दुनिया में कोई विचार नहीं कर सकता, कई देशों की आबादी 11 करोड़ से आधी भी नहीं है, पांचवें हिस्से की भी नहीं है, परंतु 11 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके पास मान्यवर शौचालय नहीं था। हर रोज वो घर की महिलाएं आहत होती थी मान्यवर, इनका दर्द 55 सालों तक ये यूपीए कांग्रेस ने नहीं जाना। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 9 साल के अंदर 11 करोड़ 72 लाख परिवारों को शौचालय देने का काम। मान्यवर देश के बहुत बड़े तबके में और विशेषकर गरीब के घर में, दलित के घर में, आदिवासी के घर में, पिछड़े के घर में, झोंपड़ पट्टी में शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता, फ्लोराइड युक्त पानी पीते थे, भरी जुवानी में बूढ़े हो जाते थे, बाल सफेद हो जाते थे, हड्डियां टेढ़ी हो जाती थी। मान्यवर मोदी जी ने हर घर नल के माध्यम से 12 करोड़ 65 लाख घरों में जल से नल पहुंचाने का काम समाप्त। मान्यवर ये हमेशा बोलते हैं, अभी भी चुनाव में कहते हैं कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। मान्यवर मैं पूछना चाहता हूं, 10 साल में कितना कर्ज माफ करा भाई? 4 से 14 तक आप 10 साल रहे, कितना मार्च करा? 70,000 करोड़, ठीक है ना, 70,000 करोड़। इसमें से भी 35,000 करोड़ तो नीचे बाकी रह गया है, मगर चलो मान ही ले कि 70,000 करोड़ किया। हम किसी का कर्ज माफ करने में विश्वास नहीं करते हैं, उसको कर्ज ही न लेना पड़े ऐसी व्यवस्था। मान्यवर इस देश के 14.5 करोड़ किसानों को 2,40,000 करोड़ रुपया इसके बैंक अकाउंट में डाला। अब देश के किसान तय करे कि एक और 70,000 करोड़ का कर्ज की लॉलीपॉप देने वाली यूपीए सरकार और एक बार स्वमान के साथ इसके घर में
सम्मान के साथ इलेक्ट्रॉनिक तरीके से 2,40,000 करोड़ भेजूंगा। माननीय आज मैं और स्पष्टता करना चाहता हूं, ये रेवड़ी नहीं है, ये रेवड़ी नहीं है। हमने ये करने से पहले एक सर्वे किया कि 2.5 एकड़ से कम जिसकी जोत है वो किसान को कितना खर्चा बेसिक खेती के काम के लिए आता है, क्योंकि वो तो मजदूर रखता नहीं है, स्वयं ही बेचारा मेहनत करता है, इरिगेशन, बीज और खाद का कितना खर्चा आता है। तो 2.5 एकड़ से कम जिसकी जोत है इसका खर्चा 6,000 आता है। मोदी जी ने 6,000 रुपया इसको दे दिया। भैया तुम ऋण ही मत, आपने तो एक बार किसान को ऋण मुक्त किया, मोदी जी ने पूरे जीवन के लिए उसको ऋण मुक्त करने का काम किया है। मान्यवर इस देश में 50 करोड़ लोग ऐसे थे, करीब 60 करोड़ लोग, जिनके घर में बीमारी आ जाए तो पिताजी की मृत्यु हो जाएगी इसका डर नहीं लगता था, इलाज का खर्च कितना आएगा इसका डर लगता था, और वो पूरा परिवार ऋण के बोझ के तले दब जाता था। मान्यवर मोदी जी ने 50 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा माफ कर दिया। आज देश के किसी भी गरीब के घर में बीमारी आती तो 5 लाख तक का सारा इलाज, चाहे ऑपरेशन करना हो, चाहे दवाइयां देनी हो, चाहे टेस्ट कराना हो, वहां तक कि अस्पताल से घर जाने के रिक्शा के 200 रुपया भी हम दे रहे हैं, 5 लाख रुपया हर परिवार को। मान्यवर जब हमने बैंक का अकाउंट खोलने की जनधन योजना लेकर आए तब मजाक उड़ाया जाता था। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमारा कड़ा मजाक उड़ाया कि अकाउंट तो खोल दिया, अंदर क्या डालेगा, जरा बोनी तो कराओ। नीतीश बाबू आज मेरी बात सुन लीजिए, हमने 49,65,00,000 बैंक अकाउंट खोले जिसमें 2,00,000 करोड़ गरीबों के जमा है, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की 300 से ज्यादा योजनाओं का पैसा डीबीटी के माध्यम से जनधन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। मगर साहब ये जनधन योजना का क्यों विरोध कर रहे थे समझने जैसी बात है। एक बार इस देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था, जो यूपीए से ही थे, उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे पहुंचते हैं। वो तो ठीक है, स्वीकृति की सच्चे आदमी थे, नए नए राजनीति में आए थे, बोल गए। मगर मैं अब आगे पूछना चाहता हूं, क्योंकि बाकी लोग तो यहीं बैठे हैं, भैया 85 पैसा कौन ले जाता था? 85 पैसा कौन ले जाता था? मान्यवर 85 पैसा ये ले जाते थे जिनको इसके अंदर कटकी और बटकी करनी थी। मान्यवर जो जनधन योजना का विरोध कर रहे हैं वो 85 पैसा एंजॉय करने वाले लोग हैं, क्योंकि अब भारत सरकार रुपया भेजती है तो सीधा रुपया पहुंच जाता है, कांग्रेस की तरह नहीं 85 पैसा, सीधा रुपया गरीब के घर में पहुंच जाता है। मान्यवर अब तक जन धन योजना, भाई आप योजना तो बनाते हो, करते नहीं हो, बैठो बताता हूं, मैं बताता हूं, बैठो ना। मान्यवर कह रहे हैं डीबीटी किसने चालू किया, अब कहेंगे जीएसटी किसने चालू किया, अब कहेंगे गरीब ही हटाओ किसने कहा, आपने कहा सब कुछ किया, कुछ नहीं किया हमने है, आप तो कहते ही रह गए। मान्यवर 25 लाख करोड़ रुपया इस देश की 130 करोड़ की जनता इसको सीधा प्रसारण देख रही, मैं आपके माध्यम से देश की जनता को बताना चाहता हूं, 1 पैसे के कमीशन के बगैर, कटकी के बगैर 25 लाख करोड़ रुपया देश के गरीबों के बैंक अकाउंट में सीधा ट्रांसफर। मान्य
मान्यवर 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 कोरोना है, मान्यवर कोरोना है। मोदी जी ने शुरुआत की पक्षापक्षी से ऊपर उठकर संघ भावना से। ये पूरे समाज की लड़ाई है, पूरी दुनिया की लड़ाई है, पूरे देश की लड़ाई है। पक्षापक्षी में नहीं पड़ना चाहिए। सबको साथ में रखकर कोरोना के खिलाफ की लड़ाई की शुरुआत हुई। और मैं आज भी कहता हूं, मैं आज भी मानता हूं कि कोरोना के खिलाफ भारत सफलता से लड़ पाया है। उसका एकमात्र कारण है सभी जगह दुनिया में कोरोना के खिलाफ सरकारें लड़ी, भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और 130 करोड़ लोग एक साथ लड़े हैं, इसलिए हम। मगर जब वैक्सीनेशन आया और उनको लगा कि तो देश बच जाएगा, तो मोदी वैक्सीन। मैं दो नेताओं को बरोबर याद है, समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी और राहुल जी, दोनों ने कहा है तो मोदी वैक्सीन है, देखो लेना मत, टेस्टिंग भ्रांति। और मान्यवर अब बैठ जाए। मान्यवर मान्यवर जनता ने वैक्सीन लेना शुरू किया, मोदी सरकार ने चाय पिलाकर वैक्सीन दी, फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दी, पहला डोज दिया, दूसरा डोज दिया और 130 करोड़ लोगों को दोनों डोज लगाकर कोरोना से बचाने का। मान्यवर इसके साथ साथ उस वक्त रोजगारी के प्रश्न खड़े हुए, लॉकडाउन का भी विरोध किया गया। मान्यवर लॉकडाउन का भी विरोध किया गया। मान्यवर सबने कहा कि लॉकडाउन लगाओगे तो गरीब क्या खाएगा। हमारे सामने दो रास्ते थे, लॉकडाउन न लगाना और पूरे देश की जनता कोरोना में फंस जाए, लाखों करोड़ों लोगों की मृत्यु हो। लॉकडाउन भी लगाया, उसको भूखा भी नहीं रखा। मान्यवर 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज ये लॉकडाउन के समय में हमने गरीब के घर में पहुंचाया और उसका चूल्हा चला करा। और वो आज भी चल रहा है, आज भी चल रहा है भाई। अविश्वास प्रधानमंत्री में और मंत्रिमंडल में अविश्वास आपको हो सकता है, देश के गरीब को देश की जनता को नहीं है। क्योंकि उज्ज्वला योजना मोदी जी लाए, हर घर नल मोदी जी ने पहुंचाया, बिजली मोदी जी ने पहुंचाई, पीएम किसान 2.5 लाख करोड़ मोदी जी ने पहुंचाए, 3 करोड़ लोगों को घर दिया, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का स्वास्थ्य का खर्चा दिया, बैंक खाते 49 करोड़ से ज्यादा खुलवाए, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 25 लाख करोड़ रुपया भेजा, 80 करोड़ गरीबों को वैक्सीन लगाकर अनाज दिया। अविश्वास आपको है, देश की जनता को अविश्वास नहीं है, वो मोदी जी के साथ। मान्यवर 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 अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी इस सदन में एक ऐसे नेता है, अरे यार सुनो ना, इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है।
और 13 ही बार फेल गए। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है, उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ था, एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम था, कलावती बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यही पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा किया आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावती के घर पर भोजन कर पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहां वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली, मैं पूछना चाहता हूं वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। इसलिए जिस कलावती के घर पर आप भोजन पर गए हो, इसी को भी मोदी जी पर अविश्वास नहीं है, वो आज मोदी जी के साथ है। मान्यवर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता दी, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% का रिजर्वेशन इतने सालों के बाद पहली बार मिला और दो दो बार राष्ट्रपति बनाने का, उम्मीदवार चयनित करने का हमें मौका मिला। सत्ताधारी पार्टी एनडीए ने, बीजेपी ने एक बार दलित और एक बार आदिवासी भारत में प्रथम बार गरीबों के लिए काम करने वाली ये सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण का जो यज्ञ चलाया है, इससे गरीब के घर में जाते हैं तो वो दिन मित्र करकर नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं। गरीब अपने आप को अब मोदी जी में अपना मित्र ढूंढता है। मान्यवर, ये इसलिए मैं कह रहा हूं, अविश्वास आपको है, देश की जनता को अविश्वास नहीं है। मान्यवर, अटल जी इस देश को 11वीं अर्थव्यवस्था छोड़कर गए। अब अटल जी तो जन नेता थे, ज्यादातर सांसदों की तरह कार्यकर्ता के नाते काम करते करते, आइडियोलॉजी का प्रचार करते करते देश के प्रधानमंत्री बने। 6 साल तक चलाया, 6 साल में 15वें नंबर से 11वें नंबर पर लाए, फिर एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री बने। यूपीए की सरकार आई, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि 11वें नंबर से 12वें नंबर पर नहीं ले गए, उन्होंने 11वां नंबर संभाल कर रखा। और फिर नरेंद्र मोदी जी आए, ढेर सारे पंडित कहते थे मोदी जी देश का अर्थतंत्र कैसे संभालेंगे, मनमोहन सिंह चौपट कर गए हैं, सारे ग्राफ उल्टे हैं, सारे पैरामीटर्स आउट ऑफ कंट्रोल है। मगर गरीबों के घर से जन्मा हुआ ये आदमी, संघर्ष कर राजनीति में आया हुआ आदमी, सरपंच का चुनाव लड़े बगैर सफल मुख्यमंत्री बनने वाला ये आदमी नरेंद्र मोदी, इसने 9 साल में देश के अर्थतंत्र को 11वें से 5वें नंबर पर पहुंचाने का निर्णय। और मान्यवर मुझे भरोसा है, मान्यवर मुझे तो भरोसा है मेरे ज्यादातर साथी चुनकर भी आएंगे, वो भी देखेंगे, फिर से एक बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और देखते 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 2027 तक देश दुनिया का 3रा नंबर का अर्थतंत्र। मान्यवर, अरे मैं नहीं कहता, IMF भी कहता है, सारे सर्वेक्षण वाले विश्व भर के कहते हैं कि डार्क जोन में ब्राइट स्पॉट अगर कोई है, ब्राउन स्पॉट कोई है, तो भारत का अर्थतंत्र है। ना अभी नहीं कह सकते, बैठ जाओ, नियम आपको मालूम होना चाहिए, नियम पढ़ लीजिए, अभी नहीं कर सकते। अरे भाई, आपकी पार्टी ने आपका नंबर ही बोलने में नहीं लिखा है, क्या खड़े होकर बोलते हो? आप लीडर ऑपोजिशन हो, ना आप चर्चा शुरू करते हो, ना बोलने देते हैं आपको, अब मेरे भाषण में क्यों बोल रहे हो आप? आपको बोलने नहीं देते आपके पार्टी वाले, बैठ जाओ। मान्यवर,
मान्यवर आने वाले दिनों में, मान्यवर आने वाले सालों में और आने वाले दशकों में दुनिया के अर्थतंत्र का, दुनिया भर के अर्थतंत्र के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो सब में दूरदर्शितापूर्ण फैसले लेकर मोदी जी ने सटीक नीतियां बनाकर भारत को इसके अंदर एक फाउंडेशन डालने का काम समाप्त कर दिया। चाहे ग्रीन हाइड्रोजन हो, चाहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो, चाहे अंतरिक्ष हो, चाहे डिफेंस का प्रोडक्शन हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे क्वांटम इंजीनियरिंग के अंदर संवर्धन और R&D करना हो, और चाहे ऑर्गेनिक फूड का बाजार खड़ा करना हो, ये साथ के साथ क्षेत्र जो इमर्जिंग क्षेत्र दुनिया के अर्थतंत्र में माने जाते हैं, वो सातों क्षेत्र में मान्यवर मोदी जी ने ऐसा फाउंडेशन डाला है कि आने वाले 5 ही साल में भारत दुनिया के अर्थतंत्र में एक प्रमुख शक्ति बनकर उभरेगा, इसका मुझे विश्वास है। मान्यवर इंफ्रास्ट्रक्चर की गति शक्ति के तहत सिर्फ 2024-25 तक 2,00,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग हम समाप्त कर देंगे, 2020-21 में 37 किलोमीटर प्रतिदिन बनाए, 148 हवाई अड्डे बने हैं, मोदी जी के आने के पहले 74 थे, अब 148 हो गए, वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेन शुरू हो चुकी है, 99,000 करोड़ की सागरमाला परियोजना जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा दूरगामी कदम है वो पूरा हो चुका है, कार्गो हैंडलिंग की क्षमता देश की 79% बढ़ी है, अगले साल तक दोगुना हो जाएगी, और 27 ट्रेनों में मेट्रो उपलब्ध कराई है, और भारत नेट 6.20 लाख किलोमीटर फैला दिया है, लाखों गांवों तक भारत नेट को पहुंचाना था। मान्यवर इंटरनेट कनेक्शन में दुनिया में सबसे ज्यादा वृद्धि भारत ने दर्ज करी है, 231% की वृद्धि, और पूर्वोत्तर के लिए भी ढेर सारे एयरपोर्ट बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मान्यवर स्वास्थ्य के बजट में भी 139% की वृद्धि नरेंद्र मोदी सरकार ने करी है, पिछले 8 वर्षों में 4,85,000 करोड़ रुपया खर्च किया गया, MBBS की सीटों में 93% वृद्धि और PG की सीटों में 100% वृद्धि करकर डॉक्टर की संख्या को दुगना करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मान्यवर इतना ही नहीं, ढेर सारे विषय मेरे साथियों ने बहुत बताया, मुझे अभी मणिपुर पर भी बात करनी है। मान्यवर नरेंद्र मोदी जी ने समग्र विश्व के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने भारत का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मान्यवर क्लाइमेट चेंज हो या टेररिज्म, ग्लोबल नैरेटिव सेट करने का काम आज अगर कोई एक देश कर रहा है तो हमारा महान भारत कर रहा है। मान्यवर G20 का नेतृत्व जब हमें मिला, बहुत सारे देशों को मिला, एक ही शहर में कार्यक्रम करे, आज G20 के कार्यक्रम 55 स्थानों पर कर पूरे विश्व को भारत की संस्कृति से परिचित कराने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और साहब इन लोगों को पसंद नहीं आता इसलिए अविश्वास, विश्व भर में एक ही ऐसा नेता है जिसको 14 राष्ट्रों का सर्वोच्च सम्मान मिला है। मैं फिर से, वैसे तो व्यक्तिगत सम्मान मिला है मगर महान सदन में कहना चाहता हूं, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की भावना है, ये 14 राष्ट्रों ने जो सर्वोच्च सम्मान दिया है ये देश की 130 करोड़ की जनता का सम्मान, भारत का सम्मान जो नरेंद्र मोदी जी को मिला है। इसलिए आपको भले अविश्वास हो, देश की जनता को अविश्वास नहीं। मान्यवर इस चुनाव में पता चल जाएगा, दादा इस चुनाव के काउंटिंग में पता हो चल जाएगा और फोन करना मुझे। मान्यवर देश की सुरक्षा, UPA की सरकार थी, 2004 से 2014 तक चली, आए दिन
आतंकवादी घुस जाते थे, आलिया मालिया जमालिया घुसते थे और जवानों के सर काट कर ले जाते थे। और इस सदन के अंदर थक जाएगा, तुम मत बोलो, वो थक जाए, मैं नहीं थकूं। मान्यवर, सरहद के उस पार से आतंकवादी घुस जाते थे और जवानों के सर काट कर ले जाते थे। कोई जवाब नहीं देता था। दो बार पाकिस्तान ने हिमाकत की, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, दूसरी बार एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का खात्मा करने का काम नरेंद्र मोदी। श्रीमान राजनाथ जी यहां बैठे हैं। सीडीएस का मसला, ये भी आपका शोध था, इंप्लीमेंट हमने किया। सीडीएस का मसला कब का लटक रहा था, भटका रहा था, मोदी जी ने सीडीएस का फैसला किया, राजनाथ जी ने सभी को विश्वास में लेकर उसको पार उतारा। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक किया और खरीदी के अंदर, डिफेंस के अंदर जिस प्रकार के परिवर्तन हुए, मान्यवर मैं आपको बताता हूं, जितने भी घोटाले, मैं बाद में घोटाले बताता हूं यूपीए के, जितने भी घोटाले हुए हैं इसमें सबसे ज्यादा करप्शन रक्षा की खरीदी में हुआ। मगर मोदी जी के नेतृत्व में हमारे रक्षा मंत्री जी ने 4,100 आइटमों को इंपोर्ट की नेगेटिव लिस्ट में डालकर यहां उत्पादन किया। और आत्मनिर्भर भारत की रचना कैसी होती है, इसकी नींव कैसे डाली जा सकती है, डिफेंस जैसे अति टेक्नोलॉजी वाले और स्पर्धात्मक क्षेत्र में इसको करकर नरेंद्र मोदी जी ने आज भारत का रक्षा उत्पादन न केवल भारत, कई देशों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है और भारत एक रक्षा के उत्पादन का प्रमुख केंद्र बना है। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर दो डिफेंस कॉरिडोर बनाए गए मान्यवर, और 22-23 में 16,000 करोड़ से ज्यादा का निकास किया गया, निर्यात किया गया, ये आंकड़ा लाखों करोड़ों में जाने वाला है। मान्यवर, चार दशकों से श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, तब से देश का सेना का जवान, चाहे सर्विंग हो चाहे रिटायर्ड हो, वो वन रैंक वन पेंशन की मांग करता, सब भक्त। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने सेना के सम्मान में निर्णय किया और 42,000 करोड़ से ज्यादा राशि वन पेंशन के अंदर। मान्यवर, दुनिया में अस्थिरता बढ़ी, चाहे यूक्रेन हो, यमन हो, चाहे कोरोना में दुनिया भर में बसते हुए हमारे भारतीय हो, 90 से ज्यादा यूक्रेन से उड़ाने कर दोनों राष्ट्राध्यक्षों से बात कर 3 दिन तक युद्ध बंद कर 23,000 भारतीयों को घर पे लाने का काम नरेंद्र मोदी से। ऑपरेशन राहत, 5,000 भारतीय और 2,000 विदेशी नागरिकों को वहां से, यमन से निकाला और 2,00,000 उड़ानों के माध्यम से 2.97 लाख, मतलब 3 करोड़ करीब यात्रियों को सकुशल कोरोना के वक्त वंदे भारत मिशन के तहत वापस लाया। मान्यवर, चीन की सीमा पर हमारी आर्टिलरी न पहुंचे ऐसी स्थिति थी, रोड ही नहीं बनाए थे, नक्शा ही देखते रहते थे। नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ जी की टुकड़ी ने सीमा के अंतिम गांव तक, भारत के प्रथम गांव में रोड पहुंचाने का, वाइब्रेंट विलेज के माध्यम से गांव खाली न हो इसकी चिंता मान्यवर नरेंद्र मोदी जी ने। मान्यवर, किसानों के कल्याण के लिए ढेर सारे काम करें, बजट में 6 गुना वृद्धि करी। जरा सुनो भाई सुरेश, आप लोग 21,900 करोड़ रुपए का छोड़कर गए थे, कितना छोड़कर गए थे भाई, 21,900 करोड़। अब ध्यान से सुनना, 21,900 करोड़ को 6 गुना बढ़ाकर 1,25,000 करोड़ रुपए का बजट नरेंद्र मोदी। मान्यवर, खाद्यान्न के उत्पादन 265 मिलियन टन से बढ़कर 22-23 में
323 मिलियन टन रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में आगे बात कर चुका हूं, 14 करोड़ लोगों को 6,000 रुपया, 2,41,000 करोड़ रुपया। अरे एमएसपी एमएसपी बहुत चिल्लाते रहते हैं।